आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 7 जग्स एंड मग्स। सो हम जग किसे बोलते हैं जिससे हम पानी पीते हैं या फिर पानी सर्व करते हैं, और मग किसे बोलते हैं जिससे हम बाथरूम में नहाते हैं, ठीक है, नहाने के लिए। सो मेक एंड एंजॉय लेमन ड्रिंक। अगर हमें नींबू पानी पीना है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, नींबू पानी पीना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें आधा नींबू चाहिए, फिर थोड़ा सा सॉल्ट चाहिए, फिर थोड़ा सा चीनी चाहिए, उसे ग्लास में लेंगे, मिला पियेंगे, ठीक है। हाउ मैनी ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस डू यू गेट फ्रॉम हाफ ऑफ लेमन। तो अब हम क्या करेंगे, आधा नींबू काटेंगे, उसमें एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि कितना एक लेमन, हाफ लेमन से हमें कितना ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस मिलता है। हाउ मैनी ड्रॉप ऑफ लेमन जूस डू यू गेट फ्रॉम अ फुल लेमन, ठीक है। हाउ मैनी ड्रॉप्स ऑफ स्पून, स्पून को भरने के लिए कितना ड्रॉप चाहिए। फ्रॉम मेकिंग 6 ग्लास ऑफ लेमन ड्रिंक्स हाउ मैनी नीड। अगर हमें 6 ग्लास लेमन ड्रिंक बनानी, नींबू पानी बनाना है, तो हमें कितनी नींबू चाहिए। हाउ मैनी लेमन्स विल यू नीड। लेमन ड्रिंक्स स्टॉल एट विलेज फेयर। एक विलेज में मेला लगा था जहाँ पे नींबू पानी का क्या लगा, स्टॉल लगा। देयर इज़ अ फेयर इन अ चैत्रा नाजिम एंड अनीश वॉन्ट्स टू पुट अप अ स्टॉल टू सेल लेमन ड्रिंक। दे मेक अ बकेट फुल ऑफ लेमन ड्रिंक। दे यूज टू डिफरेंट साइज ऑफ ग्लासेस। We will sell one small glasses for 5 and let us sell 10. So, उन्होंने बड़ी ग्लास के लिए क्या 10 रुपये चार्ज करे और छोटी ग्लास के लिए क्या करा 5 रुपये चार्ज करा। Azim found has 2 big glasses full with a jug. अगर दो बड़ी बड़ी ग्लास को जग में डालोगे तो जग भर जाएगा। Sabana wants to buy one फुल ऑफ लेमन ड्रिंक। वो जो पूरा जग लेना चाहते थे उसे दो बड़ी बड़ी जग खरीदना होगा। दो बड़ी बड़ी जग, एक बड़ी जग का कितना दाम है 10 रुपये, तो दो बड़ी जग का काम उसे एक जग खरीदने के लिए 20 रुपये देना पड़ेगा। चैत्रा फाउंड दैट 2 small glasses फिल 1 big glass। दो छोटी छोटी ग्लास से हम बड़ी ग्लास भर सकते हैं। तो हाउ ग्लासेस टू ड्रिंक विल फुल अ जग। सो इसमें कितना जग को भरेगा, अगर वो दो छोटी छोटी ग्लासेस एक ग्लास को भरती है और दो बड़ी ग्लासेस में जग, हमें 4 छोटी छोटी ग्लासेस चाहिए एक जग भरने के लिए। हाउ मैनी स्मॉल ग्लासेस विल बी फिल अ हाफ जग। हाफ जग तो दो ग्लासेस में हो जाए। फन इन फिलिंग विसल्स के अंदर भरने में। फाउंड आउट हाउ मैनी कप्स ऑफ वाटर विल यू योर वाटर। अब हम देखेंगे हमारी जो वाटर बॉटल है वो उसको भर देगी। फर्स्ट गैस एंड देन ड्राई इट आउट, हमें देखना है, ओके। एंड नाउ फिल अ डिफरेंट बॉटल कप। अब हमें अलग अलग बॉटल को सेम कप से भरना है। विच बॉटल होल्ड लेस, सबसे कम बॉटल कौन सा लेती है पानी। ट्राई इट विद अनदर बॉटल, दूसरी बॉटल के साथ करो। बॉटल होल्ड द लीस्ट वाटर, सो कौन सी बॉटल सबसे कम पानी भरेगी अपने अंदर। Spread brought different vessels from the kitchen. They had a jug, glass, mug, or a pot and a ball. They filled each of these with a cup. Guesses which least water. So सबसे कम पानी किसमें आएगा, सबसे कम पानी इसमें आएगा। Which vessel hold the most water, इसमें सबसे ज़्यादा पानी आएगा। You collect a different vessel from your kitchen. Use same cup to fill them each. Count the number of cup of each water each you hold. First guess and then the use of vessels. The vessels you used the cup of. Okay. Ring the one of holds more water. So this a bucket, a big bucket hold more water. A big jug hold more water. A big pot hold more water. A big लोटा होल्ड मोर वाटर। रानी एंड द मिल्क मैन। अनिल इज अ मिल्क, सम अमाउंट ऑफ मिल्क एट रानी हाउस एवरी डे। ही यूज अ मग 3 times टू फिल अ रानी मिल्क पॉट। वन डे रानी मदर्स गेव हर अ डिफरेंट पॉट टू टेक
day Rani pot will full at the top. But today Rani found that the pot will not fully complete. Oh, today has given me less milk. Do Anil has given Rani less milk? सो नो, अनिल ने उसे कम मिल्क नहीं दिया क्योंकि उसने बड़ा वैसल लिया तो बड़े वैसल के अंदर जो डालेगा, पहले छोटा लेती थी तो उसके अंदर डालेगा तो क्या होता है फुल हो जाता था, लेकिन अब बड़ा वैसल्स लेके आएगी फिर उसके अंदर दूध डालेंगे तो वो क्या होगा, कम ही दिखाई देगा पर क्वांटिटी सेम है. मदर बाय एवरी डे, आपके मम्मी आपके घर में कितना किलो दूध आता है रोज, कितना लीटर दूध आता है रोज. Thrustrico, now we learn some story. Creepy Crows was very thirsty. He looked everywhere but not found a water. He saw a pitcher, a matka. Pitcher matlab ghada. When he tried to drink water, he found there was a very little water in the pitcher. It shows pebbles lying nearby. Put the pebbles into the pitcher on one by one. The water come up, creepy drink water and flow away. So एक प्यासा कौवा था, वो इधर उधर भटका, क्या होता है एक घड़ा मिला, उसके अंदर पानी बहुत कम था, फिर उसने देखा तो फिर उसने पत्थर लिया और फिर पत्थर को घड़े के अंदर डाला जिसकी वजह से वेट बढ़ा और पानी ऊपर आ गया, फिर उसने वो पानी उड़ गया. Do you want to be like creepy? Do you want to know how the water in the pitcher come out? Two glasses of the same size. Fill half of each with water. You have to put tamarind seeds in the first glass. The water to top. Guess how many seeds will you need to put in? Now do it. Count the number of seed using. सो हम एक क्या लेंगे, एक दो ग्लास लेंगे, एक को आधा आधा भरेंगे, ठीक है. तो उसमें क्या करेंगे, एक में क्या करेंगे, पहले टर्मेरिक के सीड होते हैं वो डालेंगे, फिर देखेंगे पानी कब तक ऊपर आ रहा है. दूसरे में क्या करेंगे, लेंगे स्टोन को देखेंगे, ढालेंगे, फिर देखेंगे ऊपर कौन सा आ रहा है. तो क्या हो, स्टोन वाला जल्दी ऊपर आएगा क्योंकि स्टोन क्या होता है, हैवी होता है. वाटर इज़ यूजफुल. मैंने मच वाटर इन द मग और बकेट इज यूज इन योर हाउस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू वाटर टू ब्रश अवर टीथ, फूड, टू बाथिंग, टू ड्रिंकिंग. सो देर इज अ लॉट ऑफ वाटर यूज इन आवर डेली लाइफ. गैस एंड देन फाइंड आउट हाउ मैनी मग फिल अ बकेट. सो हम देखेंगे कितने मग फिल करता है एक बकेट को. हाउ मैनी बकेट ऑफ वाटर डूड यू यूज टू टेक अ बाथ. ओके, सो इफ नेक्स्ट टाइम यू टेक अ बाथ विद अ बकेट देन काउंट हाउ मैनी नंबर्स ऑफ मग यू थ्रो योर सेल्फ मग ऑफ. ओके, हाउ मैनी मग्स ऑफ वाटर डूड यू यूज टू टेक अ बाथ.